के तहत क्षेत्र में 3 माह के बाद पहला कोरोना केस सामने आया है, जिसके पश्चात पुलिस एवं प्रशासन ने मुस्तैदी से कार्य किया। गुरुवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा दरियाबाद में बैंक के कैशियर के कोरोना पॉजिटिव आने के पश्चात बैंक को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही दरियाबाद नगर में SBI बैंक परिसर के समीप 300 मीटर के अंतराल में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जिसको लेकर सुबह CI भगवान लाल मेघावल ने नायब तहसीलदार महिपाल सिंह सिसोदिया में जाब्ता पहुंचा तथा 300 मीटर के एरिया में आने वाले विभिन्न रास्तों को सीज किया गया और आवागमन पूरी तरह से बंद किया गया। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक अरविंद कुमार विश्नोई, CI भगवान लाल मेघवाल, नायब तहसीलदार महिपाल सिंह सिसोदिया सहित पुलिस एवं प्रशासन का जाब्ता नगर में तैनात रहा। दरियाबाद में पहला कोरोना केस आने के पश्चात पूरा बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा तथा व्यापारियों ने भी पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए अपने घर में ही रहे। दरियाबाद रेफरल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस जांच के लिए लोगों की खासी भीड़ रही, जिसके तहत दोपहर तक 156 लोगों ने अपनी जांच कराने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि दरियाबाद में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज स्टेट बैंक में कैशियर पाया गया था, जिसमें प्रबुद्ध नागरिक एवं बैंक के उपभोक्ताओं द्वारा विहित लेन देन करने पर कैशियर के पॉजिटिव आने को लेकर सभी ने हॉस्पिटल में जांच करवाई। दरियाबाद में दिन भर कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, बाजार में एक भी दुकान नहीं खुल सकी। इसके साथ ही पैदल आने जाने वालों ने मुंह पर मास्क पहनकर अपने आवश्यक कार्य किए। वहीं पुलिस एवं प्रशासन ने प्रमुख चौराहे पर चप्पे चप्पे पर तैनात की देते हुए व्यापार मंडल सहित ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। विधायक गौतम लाल मीणा ने आमजन को अपने घर में रहने की अपील की। पुलिस उप अधीक्षक अरविंद विश्नोई ने आमजन को नियम की पालना करने तथा बेवजह मार्केट में नहीं निकलने की अपील की। CI भगवान लाल मेघवा ने बताया कि 3 दिन के दौरान कोई भी बेवजह बाजार में ना निकले, बाजार पूर्ण रूप से बंद है तथा आमजन अपने घर में ही रहे। पैदल आने जाने वाले, बाइक लेकर बाजार में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का पहला केस दरियाबाद में आया है, जिसके बाद से सभी अपने घर पर रहकर सतर्क रहें। दरियाबाद में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस आने के पश्चात बाजार पूर्ण रूप से बंद दिखाई दे रहा है। वहीं SBI बैंक के कैशियर के पॉजिटिव आने के पश्चात आगामी 3 दिन तक दरियाबाद के बाजार बंद रहेंगे। वहीं पुलिस उप अधीक्षक अरविंद कुमार विष्णोई, दरियाबाद थाना CI भगवान लाल मेघवा, नायब तहसीलदार व महिपाल सिंह सिसोदिया सहित पुलिस एवं प्रशासन का जाब्ता नगर के चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दिया। इस दौरान दरियाबाद नगर में प्रथम दिन सभी दुकानें बंद रही। वहीं ना तो सब्जी व दूध विक्रेता की सुबह 2 घंटे के लिए दुकानें खुली, मेडिकल स्टोर की दिन भर दुकानें खुली रही। वहीं उपकर अधिकारी करतार सिंह के निर्देश पर आगामी सोमवार तक दरियाबाद नगर के बाजार बंद रहेंगे। वहीं जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। SBI बैंक के समीप आने जाने के दौरान यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। वहीं विभिन्न गली मोहल्लों के रोड पे बैरिकेड लगाए गए। इस दौरान नियमों की पालना आमजन को करने के लिए निर्देशित किया गया। दरियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा कल जिला प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के CSC दरियाबाद क्षेत्र में कोरोना मरीज की पुष्टि हुई थी, और कल से ही हमने इसके लिए कार्य व्यवस्था की है। बैंक कर्मी है जो व्यक्ति है जो आया है, और कल हमने जितने भी बैंक कर्मचारी हैं उनके सबके सैंपल ले लिए थे, और आज जो व्यक्ति उनके संपर्क में आए हैं तो उनका सैंपलिंग जारी है और घर घर सर्वे किया जा रहा है। किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर होम क्वारंटाइन करके उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। ने आगाह किया, प्रशासन भी इस मामले में सतर्क हुआ। उन्होंने 300 मीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और अगले 3 दिन तक पूरा बाजार और सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं वही खुली रहेंगी। दरियाबाद कस्बे में एक व्यक्ति की
कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर श्रीमान कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और एसपी साहब के आदेश अनुसार 300 मीटर की कंटेनमेंट जोन में तीनों तरफ से सील किया गया है और इसमें निवासरत व्यक्तियों के मेडिकल टीम द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं और अति आवश्यक होने पर ही केवल घरों से बाहर निकलें। सभी व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।